वेलकम टू डिजिटल न्यूज। तेज प्रताप यादव का बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बड़ा हमला। धीरेन्द्र शास्त्री को कहा देशद्रोही। बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 13 मई को पटना आने वाले हैं, जिसको लेकर के राजनीति बेहद गर्मा गई है। धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन का RJD जमकर विरोध कर रही है। इतना ही नहीं, मंत्री तेज प्रताप यादव ने तो ये तक कह दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री डरपोक है, देशद्रोही है, वे माफी मांगे। दरअसल तेज प्रताप यादव बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों से काफी नाखुश है, जिसको लेकर के मंगलवार को तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को देशद्रोही तक कह दिया। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को डरपोक कहते हुए उन्हें माफी मांगने तक की बात कह दी। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बाबा बागेश्वर धाम के लोग मेरे पास आकर मुझसे माफी मांग रहे हैं, मेरे दरवाजे पर आ रहे हैं, उनका वीडियो मेरे पास है, जल्द ही वो वीडियो रिलीज करूंगा। इसके पहले उन्होंने कहा था कि धर्म को टुकड़ों में बांटने वालों को करारा जवाब मिलेगा, तैयारी पूरी है। बागेश्वर वाले में सबको निमंत्रण भेजा गया है, क्या आप भी जा रहे हैं? देखिए, बाबा बागेश्वर धाम के लोग आके हमसे माफी मांग रहे हैं, गेट पर रोज आ रहे हैं, उसका वीडियो है हमारे पास। अच्छा, उसका वीडियो रिलीज करेंगे, देखिएगा। तो बाबा को हमसे माफी मांगा, आप जाइएगा, माफी मांग रहा। हाँ, बागेश्वर सर, तो क्या कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम होगा, बागेश्वर बाबा माफी मांगने के लिए रोज अपना आदमी को भेज रहा है, तो उसका 10 दिन से भेज रहा है। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है, देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। हाँ, मुसलमान को लड़वा रहा हूँ जी, बता दें कि 13 मई से 17 मई तक पटना से सटे नौबतपुर में हनुमंत कथा का आयोजन होगा, जिसके लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 13 मई को पटना आएंगे। इसी बीच 15 मई को उनका दिव्य दरबार भी लगेगा। इस कार्यक्रम का आमंत्रण CM नीतीश कुमार और DC तेजस्वी यादव समेत सभी दलों के बड़े नेताओं को भेजा गया है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.